नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर पीटीटी 2 ईयर के स्टूडेंट हैं, लगातार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और कल के वीडियो के लिए आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे। कल किसी कारणवश से वीडियो नहीं बन पाया था, इसलिए आज मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। अब देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्रों के ज़्यादातर कमेंट यही आ रहे थे कि सर, जैसे हमने काउंसलिंग करवा ली, 5,000 रुपये की जो काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में काउंसलिंग करवा ली, काउंसलिंग करवाने के बाद में हमें कॉलेज भी अलॉट हो गई, कॉलेज अलॉट होने के बाद में क्या हम फिर से काउंसलिंग करवा सकते हैं? और एक ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब कि काउंसलिंग करवा ली है, काउंसलिंग करवाने के बाद में उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो क्या वो स्टूडेंट यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं? तो ये डाउट आपके मन में काफी बार पूछे जा रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स के द्वारा ये सब कुछ पूछा जा रहा है, तो इनका रिप्लाई आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूँ। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, या मुझे लगता है कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आज आपकी लास्ट डेट है और आज आपके पास में अंतिम अवसर है लास्ट काउंसलिंग करवाने को लेकर, क्योंकि आज आपकी 7 तारीख है और आप देख सकते हो 7 तारीख तक ही आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जो इसको आप सेकेंड काउंसलिंग या अंतिम काउंसलिंग आप उसको बोल सकते हो। 8 तारीख को, यानी कि कल ही आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। एक तरीके से सेकेंड राउंड की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ही बोल सकते हैं इसको, तो वो कल आपकी जारी हो जाएगी। साथ में जो 22,000 रुपए है, वो आप 9 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप सबमिट करवा देना। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। देखिए, हमेशा मैं आपको बोलता हूं, अगर मेरे वीडियोज को आप पूरा एंड तक वॉच करते हो, तो आपको जरूर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लेकर ही जाते हो, यानी कि जो भी आपके मन में जो डाउट रहता है वो इसी वीडियो में, यानी उसी वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आपके मन से वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। अभी यहां पर देख सकते हो, लास्ट डेट रहेगी 5 बजे तक, 13 तारीख की 5 बजे तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो, 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 13 तारीख भी 5 बजे तक, तो ये रिपोर्टिंग करवा सकते हो। अब यहां पर देख सकते हो, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो, अब ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हो सेकंड पॉइंट है, वैसे मैंने बता दिया, लेकिन आप के कमेंट आते हैं तो मेरे से नहीं रहा जाता बिना वीडियो बनाए। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालय को नवीनतम मान्यता सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण अधिसूचना संख्या, ये देख सकते हो, तहत पंजीयन शुल्क 5,000 रुपये जमा करवाने के पश्चात महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प बनने वाले सभी, यानी कि प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को छोड़कर महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प बनने का पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर, हमने काउंसलिंग करवा ली और काउंसलिंग करवाने के बाद में हमने किसी कारणवश से जो अपनी 22,000 रुपये फीस है, जो कॉलेज फीस है, वो सबमिट नहीं करवा पाए, तो क्या हमें सेकंड काउंसलिंग का या जो अंतिम काउंसलिंग है उसका अवसर दिया जाएगा या मौका दिया जाएगा? बिल्कुल आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर ओनली जो प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को छोड़कर, जिन्होंने मतलब कि कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, जिनका एडमिशन कंप्लीट हो गया, उन अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी स्टूडेंट यहां पर एक तरह से भागीदार है यहां पर ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए या सेकंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब उसके बाद में एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं आप सभी छात्रों को, ये थर्ड पॉइंट देख सकते हो, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने महाविद्यालय आवंटन पश्चात किसी कारणवश प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें भी महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प बढ़ने का तथा पुनः प्रवेश हेतु पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है। देखिए, समझ गए ना बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि जिनको महाविद्यालय आवंटन हो गया, यानी कि कॉलेज आपको अलॉट हो गई, फिर भी आप किसी कारणवश प्रवेश नहीं लिए, कारण जैसे मैंने बता दिया कि 22,000 रुपये आप सबमिट नहीं करवा पाए, जो घर की है या फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक थी, इस वजह से आप पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाए थे, ये भी कुछ कारण हो सकता है, इस वजह से आपने जैसे प्रवेश नहीं लिया, तो आप भी भागीदार हो इस चीज के लिए, आप भी भागीदार हो, आप भी करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर सख्त है, लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर वो स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवा सकते जिन्होंने मतलब कि फर्स्ट राउंड में आपकी 7th लिस्ट तक जारी हुई है, उसमें अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाई थी, यानी कि 5,000 रुपये का आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था, तो आप इस बार भागीदार नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं है, यहाँ पर ना तो कोई ऑप्शन दिया गया है, ना ही यहाँ पर मतलब कि नोटिस में क्लियर किया गया है। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता, वो आता रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता, तो वहाँ से आप काउंसलिंग करवाते और 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाते, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फिल कॉलेज चॉइस के ऊपर क्लिक करना है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको ओनली
जो कॉलेज चॉइस का फॉरम है वो आपको भरना है, सबमिट करना है। आपको पता है 241 आपकी कॉलेज बची, 241 आपकी सीटें बची हुई है, बहुत ही कम सीटें हैं और टोटल 75 कॉलेज में ये सीटें आपकी बची है। अब एक कॉलेज आपकी झुंझुनू की, उस कॉलेज में 101 सीटें हैं। जैसे कि ये सीटें भी देख सकते हो, यहाँ पर कॉलेज लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये भी यहाँ पर क्लियर कर चुका है कि वैकेंट सीट यहाँ पर देख सकते हो, इस कॉलेज में 2 है, इसमें 2 है, एक 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 ऐसे कॉलेज यहाँ पर आपकी बची हुई है, 75 कॉलेज में बची हुई है। बाकी एक ऐसी कॉलेज है जिसमें 101 यानी 100 सीटें बाकी है और ये कॉलेज चूरू की है, जिसका नेम है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड आईएएस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये देख सकते हो ये चूरू में यूनिवर्सिटी है, इसमें 101 कॉलेज बाकी है, नहीं तो सभी कॉलेजों में 5, 6, 2, 1, 3 ऐसे कॉलेज आपकी बाकी है। ठीक है, तो ये कॉलेज लिस्ट आप खुद से भी देख सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट टाइम है आप सभी छात्रों के पास में, अगर काउंसलिंग नहीं करवाई है तो काउंसलिंग करवा लेना। ठीक है, काउंसलिंग तो क्या करवानी है आपको, कॉलेज चॉइस का फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर देना। फॉर्म एक तो जो स्टूडेंट मतलब कि काउंसलिंग करवा लिए, कॉलेज ही उनको अलॉट नहीं हुई है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर कॉलेज चॉइस का फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी छात्रों के पास में अगर पहले से कॉलेज अलॉट हो गई है या उनको कॉलेज मिल गई थी तो वो अपडेट कॉलेज चॉइस पर क्लिक करके कॉलेज अपनी है वो अपडेट कर सकते हो, कौन सी कॉलेज आपको नियरेस्ट चाहिए। ठीक है, और राजस्थान जरूर सेलेक्ट करना, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलते आ रहा हूँ। फिर उसके बाद में लोक कॉलेज चॉइस के ऊपर क्लिक कर देना, फॉर्म को आपको लॉक कर देना, उसके बाद आपको आपको उसका प्रिंट ले लेना है। अब इसके बाद में एक बात निकल के आती है कि आपका रिफंड प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। अब रिफंड को लेकर मैंने जस्ट काफ़ी वीडियो अपलोड भी कर दिए थे, मैंने आपको बोल भी दिया था कि देखिए 15 तारीख तक तो आपका कुछ हो नहीं पाएगा, 13 या 14 तारीख को आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें क्लियर हो जाएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। बाकी मेरी मानो तो आपका जो रिफंड प्रोसेस है वो आपका वही 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक स्टार्ट होने वाला है, और उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो पूरा जो जनवरी है वो रिफंड प्रोसेस में ही खप जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा फॉर्म भी भरे जाएंगे। ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, 4 ईयर के भी है, 2 ईयर के भी है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और लास्ट काउंसलिंग में भी अभी आपका टाइम लग रहा है। ये तो चीज़ मैं बार बार बोलते आ रहा था कि लास्ट काउंसलिंग आपकी होगी होगी होगी, लेकिन कुछ छात्र बोल रहे थे कि सर हमने बात की है लास्ट काउंसलिंग नहीं होगी, तो मैंने बोला था कि लास्ट काउंसलिंग होगी, अगर 4 ईयर की होती है तो 2 ईयर की क्यों नहीं होगी। तो आपकी लास्ट काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है, लास्ट डेट आपकी है, अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो फटाफट जो कॉलेज चॉइस फोरम है उसको भर देना, उसके बाद में इसको लॉक कर देना, लॉक करने के बाद में प्रिंट इसका ले लेना, और कल आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। कल मैं लाइव भी रह सकता हूँ और कल मैं क्लियर कर दूंगा किस प्रकार से आपको अलॉटमेंट लिस्ट देखनी है। बाकी देखिए आपके कोई भी कमेंट हो ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके बाय।